गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर SST क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द फॉरेस्ट एंड मोर अबाउट द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. रिसोर्सेज इन इंडिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो फॉरेस्ट, सी टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हाउ मैनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर देयर? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्न, टाइडल, माउंटेन्स. दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्यों ज़रूरी है कंजर्वेशन फॉरेस्ट का, क्यों करना चाहिए हमें? तो दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन, स्टॉप सॉइल इरोजन. टू स्टॉप द सॉइल इरोजन, चेक डिफॉरेस्टेशन, रिसाइकल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करना, रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम ट्रीज. तो दीज ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हम और अच्छे से इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट दीज टॉपिक्स. फिर है आपका वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ऑल एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स दैट लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट और द वाइल्ड आर नोन एज वाइल्ड लाइफ. जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं और जो वाइल्ड होते हैं, दोज आर नोन एज वाइल्ड लाइफ. इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए? टू सेव द एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन. इन द थर्ड चैप्टर ऑफ इंग्लिश द कोलाबियर आई हैव टोल्ड यू कि बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ क्या है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट, जो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं. तो हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्शन से उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम पोचर्स. पोचर्स क्या होते हैं? हंटर्स, ठीक है, जो इलीगल वे में हंटिंग करते हैं. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो इंडिया ने हमारे क्या एस्टैब्लिश करे हैं, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो इन दिस चैप्टर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑल्सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दीज टॉपिक्स. नाउ नेक्स्ट, फॉरेस्ट. नाउ फर्स्ट वी शुड नो वॉट इज़ फॉरेस्ट. हम लोगों की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं कि जंगल सबको पता है, ठीक है, बट लेट्स रीड इट. वॉट इज़ दैट? अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, क्रीपर्स एंड ग्रासेस ग्रो टुगेदर. अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, झाड़ झंकार जो होते हैं हम कहते हैं, और घास होती है अलग अलग तरीके की, वो नेचुरली ग्रो होती है, उसको कोई ग्रो नहीं करता. जंगलों को क्या किसी ह्यूमंस ने ग्रो कराया? नहीं, दे आर नेचुरल. इट ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. इसमें नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर देयर, ठीक है, लायन, डियर, ज़ेब्रा, बहुत सारे आपके जंगली जानवर होते हैं फॉरेस्ट में. एंड फॉरेस्ट देखा सबने होगा, ठीक है, टीवी में, और हमारे पीलीभीत में भी माला जंगल है. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अ फॉरेस्ट इज दैट इट ग्रोज नेचुरली. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि ये नेचुरली ही ग्रो होता है, इसको कोई ग्रो नहीं करता है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पार्क. पार्क से डिफरेंट है क्योंकि पार्क में आपके झूले वगैरह होते हैं, बच्चे जाते हैं खेलने वहाँ शाम को. हम क्या क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, वी यूज़ टू प्ले देयर. लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है. फॉरेस्ट में देखें कहीं झूले वगैरह और हम टहलने जाते हैं या फिर हम अपना मूड फ्रेश करने जाते हैं. तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पार्क और एन एग्रीकल्चरल फील्ड. क्योंकि हम वहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड से डिफरेंट क्योंकि हम वहाँ पे खेती नहीं करते. वी आर नॉट ग्रोइंग क्रॉप्स ओवर देयर, ठीक है, वेयर वी प्लांट ट्रीज एंड क्रॉप्स. जहाँ पे हम ट्रीज प्लांट करते हैं या फिर हम
क्रॉप्स ग्रो करते हैं. तो व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट? अ लार्ज एरिया वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, क्रीपर्स एंड ग्रासेस ग्रो टुगेदर एंड इट इज़ नेचुरली ग्रोन एंड इट हैज़ अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. तो दिस इज़ द थिंग व्हाट द फॉरेस्ट इज़. आप से जानो कि फॉरेस्ट क्या होता है. हम सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं फॉरेस्ट की, तो यू शुड नो प्रॉपरली कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट. एंड आई हैव टोल्ड यू कि इसे कोई ह्यूमन ग्रो नहीं करता, नेचुरली ग्रो होता है और इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, जाजंकार और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. सबको पता है ये फॉरेस्ट के बारे में. अब आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे, तो टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट. फाइव टाइप ऑफ फॉरेस्ट वी हैव डिस्कस्ड, आई हैव टोल्ड यू. तो वी विल एक्सप्लोर मोर अबाउट दोज फाइव टाइप ऑफ फॉरेस्ट टूडे. यू जस्ट गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन. And don't forget to mark your attendance. Thank you.